तो आ गए आप, तो आपके लिए फिर से हम ले आए बहुत सारी वैकेंसी। तो जो पहली वैकेंसी आप देख रहे हो NTPC में देख रहे होगे, मैं इसका पूरा जानकारी दूंगा कि आगे आपको लिंक भी कहाँ मिलने वाली है ये भी बता दूंगा अभी, और अगर आ जाएगी लिंक तो भी मैं आपको पब्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 250 तो इंजीनियर के लिए वैकेंसी और 25 असिस्टेंट केमिस्ट के लिए वैकेंसी है, मतलब इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई यहाँ पर, समझ रहे हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो देख रहे हो आप 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, सैलरी सामने दी हुई है। अब बात आती है कि लॉन्ग नोटिफिकेशन, बड़ा वाला नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो आएगा 25/7/2020 को, और लास्ट डेट कब है इसकी, 31/7/2020। अब बात कर रूँ मैं कि इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो आपको देखो गूगल पर जाके सर्च करना NTPC CARER, इतना सर्च करना। सर्च करने के बाद आप जाओगे नीचे, थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पर लिखा है NTPC careers.net, ये दिख जाएगा आपको। आपको इसे प्रेस कर देना, कुछ नहीं देखना, सीधा प्रेस। आप जैसे प्रेस करोगे आपके सामने एक नया विंडो इस तरीके का जैसा कि आप देख रहे हैं खुल जाएगा। अब आप मालूम करना है वैकेंसी निकला है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, देखो देखो, तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो वैकेंसी आपको दिख रहा, ये वाला वैकेंसी देखो यहाँ पे है। देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए देखो यहाँ पर वैकेंसी है, पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस जो के लिए कितना वैकेंसी सारी कुछ बता दी गई यहाँ पर। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 250 वैकेंसी इंजीनियर के लिए निकला है एक्सपीरियंस, और यहाँ पे 25 वैकेंसी असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, देखो ये सीधा सीधा लिखा है। अब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कुछ लिंक नहीं दिया आपने, दिखा दिया, तो यहाँ पर लिंक आएगा, कल आएगा। देखो किस तरीके का आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसे चालू कर देता हूँ, और देखो यहाँ नीचे आपको एक दो लिंक इस तरीके के दिखने को मिलेगा। देखो देखो यहाँ पे ये 2 जून वाला एडवर्टीजमेंट, देखो अप्लाई एडवर्टीजमेंट हिंदी में इंग्लिश में इस तरीके का आ जाएगा, देख रहे हो। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरह चलते हैं, कल आप यहाँ पर विजिट करना तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, और जैसे ही आएगा यहाँ पर तो मैं भी पब्लिक कर दूँगा। अच्छा ये जो वैकेंसी है यहाँ पे सब लोग वैकेंसी तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसका जो है कहाँ पे अप्लाई करें, तरीका क्या है और सही तरीका क्या है, वो चीज़ मैं बताऊँगा। अप्लाई तो सब करवा रहे हैं, अब सही मेल आईडी है कि नहीं वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा, तो इसलिए लास्ट तक इस नोटिफिकेशन को पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं। तो SRF लिमिटेड में वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन यूटिलिटी के लिए वैकेंसी है। देखो सामने जॉब कोड दिया है, ये जान लेना, ये जॉब कोड इसलिए दिया है कि आपको एप्लीकेशन डालना है तो इस पर्टिकुलर जॉब कोड को डाल के ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ITR FM, और यहाँ 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि हम कौन से कोड को कहाँ डालें, तो यहाँ पे लिखा है UTJEE, मतलब यूटिलिटी JEE के लिए, मतलब डिप्लोमा वाले के लिए डालना है। UTTE इसे डालना है ITI वालों के लिए जॉब कोड को, UTTE02, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जॉब कोड है। यहाँ पर नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहाँ पर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ITI IMCP। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है, TE मतलब टेक्नीशियन और JEE मतलब JEE जूनियर इंजीनियर, तो इस तरीके से सारे जॉब कोड है। तो यहाँ पर देखो आप देख रहे होगे तो 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का चलेगा, बाकी सारी चीज़ बता दिए कि आपको एक्सपीरियंस DCS PLC सिस्टम जो भी है वो सारी चीज़ें बता दी, कंट्रोलर मास फ्लोमीटर, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट, सबका एज लिमिट दिया है, आप खुद पढ़ सकते हो। जूनियर ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल जॉब कोड यहाँ पर सामने दिया है QCJO। तो यहाँ पे आप देख रहे हो BSc MSc 4 से 8 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ केमिकल और फार्मा कंपनी का चलेगा यहाँ पर। एज लिमिट बिलो 30। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ETP, जो दोस्तों फील्ड के लिए, जहाँ पर जॉब कोड आपके सामने देख रहे हो ETP 01, यहाँ पर क्वालिफिकेशन BSc MSc केमिस्ट्री इन्वायरमेंट और 4 से 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, फील्ड एक्टिविटी ऑफ MEE प्लांट। अब बात आती है अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेल आईडी, दो मेल आईडी हैं, दोनों पे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि मेरे पास जो सूचना आ रही है कि ये जो है अभी फिलहाल में है नहीं SRF में, जो RAHUL.RANA@SRF.com, तो ये जो मेल आईडी है ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो हैं अभी इस कंपनी को छोड़ चुके हैं, तो हो सकता है
हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन लेकिन आपको इस पर तो सेंड करना ही है, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है मेल आईडी। लेकिन साथ में एक मेल आईडी और दे रहा हूँ जिस पर आपको अपना सीवी फॉरवर्ड करना है, hr.recruitment1@srf.com, इस पर भी सेंड करना है अपना सीवी। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चल, तो यहाँ पर देख रहे हो 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकला, वो लिस्ट बना दिया पूरा, ठीक है। CRA के लिए बी फार्मा एम फार्मा, MW के लिए बी फार्मा एम फार्मा, N मतलब नर्सिंग के लिए BSc ANM, तो यहाँ पे दोस्तों नर्सिंग के लिए बहुत सारे, देखो आप देख रहे हो आपसे रिलेटिव है XYZ, तो आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हो hr@admerus.com। नेक्स्ट है mahesshwari@admerus.com, इन पर दोनों पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आपसे रिलेटिव है तो। अच्छा नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे APA फार्मा टेक, तो यहाँ पे लोकेशन हैदराबाद दी हुई है, यहाँ पे 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की 5 से 7 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे मेल आईडी दी है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9679617228, नेक्स्ट 8637085495। मेल आईडी है aptinniahr@apipharmatech.com, अपना CV फॉरवर्ड कर देना, एड्रेस भी दिया है।